प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी लोगों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती, इसके विषय में चर्चा करते हैं। गौ माता की विशेष महिमा है। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय माँ विश्व की माँ है। और भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति गौ माता के दर्शन कर प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, उनको संपूर्ण ब्रह्मांड के जो समस्त सात द्वीप हैं, सात द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा का जो फल मिलता है, वह फल उनको मिलता है। यदि आप 33 कोटि देवताओं का एक साथ पूजन, दर्शन और प्रदक्षिणा करना चाहते हैं, परिक्रमा करना चाहते हैं, तो गौ माता में कर सकते हैं। सर्वे देवा स्थिता देही सर्व देवा मई ही गौ। समस्त देवता गौ माता में स्थित हैं और गाय माँ सभी देवताओं की समान है। तो गौ माता की जो आज गोपाष्टमी तिथि, यह आज क्यों मनाई जाती है, तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन आता है कि आज के ही दिन से कृष्ण भगवान ने गायों को चराना प्रारंभ किया। आज से पहले वह छोटे बछड़ों को चराते थे। एक दिन की बात है, कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया से कहा, माँ हमें कब तक बछड़ों को ही चराना पड़ेगा, अरे हम थोड़ा बड़े हो गए, अब थोड़ा और दूर तक जाते हैं, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैया ने कहा कि लादा अपने बाबा जी को पूछ लो। तो कन्हैया गए बाबा जी के पास, नंद बाबा जी के पास, कहा कि बाबा जी हम गायों को चराने कब जाएंगे। तो भगवान 5 वर्ष के हो गए, तब 6वें वर्ष में प्रवेश किया। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है लाला, कोई मुहूर्त दिखाता हूँ ब्राह्मण देवता से। तो ब्राह्मण को बुलाया गया, तो मुहूर्त दिखाया गया, तो एक साल तक कोई मुहूर्त आ ही नहीं रहा था। तो ब्राह्मण ने कहा कि बाबा जी सिर्फ आज का ही मुहूर्त श्रेष्ठ है, इसके बाद अभी एक साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि जो भगवान चाहते वही होता है। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है लाला, आज से ही गायों को चराना प्रारंभ करें। तो आज कृष्ण भगवान ने स्वयं गौ माता की पूजा की, उनको तिलक लगाया, स्नान कराया, माला पहनाई, वस्त्र पहनाए, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। इसीलिए आज के दिन गौ माता का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। अब जब कृष्ण भगवान तैयार हो गए गायों को चराने के लिए, तो फिर यशोदा मैया ने सोचा कि देखो कन्हैया नजदीक चराते थे, अब तो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में कन्हैया के कांटे चुभ जाएंगे और इतनी धूप है तो लाला को धूप लगेगी, माँ का वात्सल्य। तो फिर माँ ने कहा कि ठीक है लाला, आप जा ही रहे हो तो छाता ले जाओ और पाँव में पादुका, माने चप्पल या जूते इत्यादि पहन कर जाओ, पादुका पहन कर जाओ। तो गैया भी सामने खड़ी थी। तो फिर लाला ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि मैया जितनी गौ माताएं हैं, बहुत सारी गौ माताएं, क्या इन सबको आप पादुका देंगे और इन सबको छाता देंगे। तो फिर कृष्ण भगवान ने यह जब कहा मैया से, मैया ने कहा कि लाला इतने नहीं है मेरे पास। तो कहा कि मैया हम भी नहीं पहनेंगे पादुका। तो गायों ने जब यह बातें सुनी तो उनका मन तो भगवान में था ही, लेकिन अब और वात्सल्य जागृत हो गया, भगवान के प्रति और प्रेम जागृत हो गया गौ माताओं का भी। गाय माताओं ने कहा कि देखो हमारे लिए कन्हैया पादुका भी नहीं पहन रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि
आगे आगे चलेंगे, कन्हैया से आगे आगे, और जितने भी कांटे कहीं पर भी दिखेगा रास्ते में तो उस कांटे को अपने पांव से चकनाचूर कर देंगे, पीस देंगे उसको, ताकि लाला के कोमल कोमल पांव में कोई कांटे न चुभे। तो यह प्रेम देखकर तो भगवान का भी उनके प्रति प्रेम, गौ माता का ही भगवान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार आज के दिन कृष्ण भगवान ने गैयाएं चराने प्रारंभ की। तो आज गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, इसीलिए आज के दिन गाय माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। जब प्रातः काल हम स्नान करें, आप स्नान करें प्रातः काल, अपने घर की जो दैनिक पूजा होती उसको करें, और कहते हैं कि आज के दिन गौ माता का भी स्नान कराना चाहिए। उनको तिलक, हल्दी से, चंदन से तिलक कराएं, चावल लगाएं, वस्त्र पहनाएं, सुंदर आभूषण पहनाएं, माला पहनाएं। और आज यह इस वर्ष तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, मंगलवार के दिन ही गोपाष्टमी आ रही, तो आज गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। गुड़ खिलाकर गौ माता की पूजा करें। और कहते हैं कि जब गाय माँ जंगल की ओर जाती है तो थोड़ा थोड़ी आगे तक उनके साथ तक जाएं, पुनः वापस आए। सायंकाल को जब गौ दूधी का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गौ दूधी, जिस समय गौ दूधी कहते हैं, जब सायंकाल को गैयाएं वापस आती है, तो जो गाय के पांव से जो धूल उड़ती थी वह धूल कन्हैया पे लगती थी, कन्हैया के चेहरे पर लगती थी, तो कन्हैया बड़े आनंदित, बड़े खुश हो जाते थे। तो गौ दूधी के समय गौ का आतिथ्य, माने गौ माता को जब आती है तो उनका सत्कार करें, और गौ माता को पुनः उनकी सेवा करें, पांव को धुलाएं और तिलक लगाएं, गुड़, मीठी रोटी, उसमें हल्दी भी लगाएं। तो इस प्रकार से गौ माता की पूजा करें और गाय के पीठ पर हाथ से फेरें। और जो गाय माता की पूंछ है, वहां पर यदि आपका छोटा बालक है तो उसके ऊपर घुमा दें कृष्ण भगवान का नाम लेकर, उस पर किसी प्रकार की नजर नहीं लगेगी। और जो गाय के पांव पर जो धूल चिपक रखी हो, उस धूल को अपने माथे पर लगाएं और थोड़ी सी धूल अपने घर पर लाएं। उस धूल को नित्य यदि अपने माथे पर लगाया जाता है तो यश, कृति, लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सब कुछ मिलती है, क्योंकि गाय में समस्त देवी देवता वास करते हैं। आज के दिन यदि गोबर और गौमूत्र से अपने घर पर थोड़ा सा मंदिर, जहां मंदिर हो वहां पर लिपाई की जाए, या जहां से प्रवेश द्वार है वहां पर लिपाई की जाए, इन दोनों को मिलाकर वहां पर लेपन कार्य किया जाए, तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है घर में। और जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो वहां पर कोई वेदी या कोई यज्ञशाला बनाई जाती, तो वहां पर गौमूत्र और गोबर मिलाकर लेपन किया जाता है। वह कितनी भी अशुद्ध भूमि हो वह शुद्ध हो जाती है। गौ माता का जो पंचगव्य है उसे, उसका पान करने से रोग तो दूर होते हैं, लेकिन हम पूजा के लिए बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। गौ माता से ही जो दूध, दही, घी इत्यादि मिलता है, उसे पंचगव्य बनाया जाता है। इस प्रकार से गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी यदि आपके ग्रह अशुभ चल रहे हैं तो आज गौ माता की पूजा करो, नौ ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे। और कहते हैं कि धन्य धन्य भारत धरा प्रकटे जहां गोपाल। अरे यह भारत भूमि धन्य है जहां पर गौ माता की सेवा के लिए स्वयं साक्षात परम पिता परमेश्वर कृष्ण भगवान अवतरित हुए, और आज से कृष्ण भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। जो गायों को पालने वाला है उसे कहते हैं गोपाल। और राम भगवान जी भी आए, विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, गौ माता की सेवा करने के लिए। और कृष्ण भगवान कहते हैं, और जो गौ माता की सेवा करते हैं उनसे भगवान तो प्रसन्न होते हैं, कृष्ण भगवान, और गौ माता का भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन समस्त देवी देवताओं का आशीष उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं,
गाओ ममाग्रता संतो, गाओ में संत पृष्ठता, गाओ में सर्वता संतो, गवा मध्ये वसाम्य हम। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे चारों तरफ हो और मैं गायों के मध्य में रहूं। कितना महत्व है। इसीलिए आज के दिन यदि आपके घर में गाय नहीं है तो जहां गौशाला है वहां जाएं, गायों को चारा खिलाएं, चारा दें, गुड़ दें। और यदि आप ज्यादा संकट में पड़े हैं तो अपने जितना आपका तोल है जितने उतना अपने अपने तोल के बराबर चारा गुड़ आज गौशाला में दान दें। और जो वहां गायों की सेवा करते हैं उनको भी आज, उनकी भी आज आप सेवा करें, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार गौ धूली को आज अपने घर में अवश्य लाएं, गौ माता की कृपा होगी। इसीलिए धन्य है भारत भूमि। और यह गोपाष्टमी गायों की विशेष पूजा के लिए ही गोपाष्टमी के दिन भगवान ने पूजा की। और वैसे तो नित्य प्रतिनित्य हमें गौ ग्रास अलग से निकाल कर रखना चाहिए, क्योंकि समस्त देवी देवता गाय में वास करते हैं। अरे गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है और गौमूत्र में साक्षात गंगा माँ विराजमान होती है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गौ माता। राधे राधे।